Hello everyone, once again welcome back. In the business communication, our today's topic is internal and external communication. What is the meaning of internal communication and what is the meaning of external communication? So let's cover. Students, in the previous video lectures we have covered the topic how to communication make effective, in which we have covered number of points, improving communication skills and making it effective, in which first one is orientation of employees, developing proper interpersonal relation, third one protective listening, using proper language, communication through action and deeds, strategic use of grapevine, or last one is feedback. So feedback point is remain in this topic, so let's cover this point. What is the role of feedback in the communication and how feedback make communication more and more effective? So feedback. Feedback is very important in improving communication. Communication can be meaningful only when it is received as it was intended. ठीक है, communication क्या है? Communication हमारे feedback को और ज़्यादा communication को और ज़्यादा effective बनाता है. Feedback, sender sending the information, sender information send कर रहा है receiver को. ठीक है, अब रिसीवर क्या कर रहा है? उसको अंडरस्टैंड कर रहा है इन द सेम इंटेंशन इन जिस इंटेंशन में सेंडर ने इंफॉर्मेशन सेंड की है. ठीक है, और इस चीज की एंश्योरिटी फीडबैक से होती है. जब रिसीवर द्वारा से क्या करेगा, सेंडर को कम्युनिकेट करेगा और फीडबैक देगा, तो जो भी फीडबैक आएगा फीडबैक के थ्रू सेंडर ये इंश्योर करता है कि हाँ जो भी मैसेज था वो मैसेज रिसीवर को समझ में आ गया है और उसके जो उसका जो ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन का वो कंप्लीट हो गया है. सो दैट्स व्हाई फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेक अवर कम्युनिकेशन मोर एंड मोर इफेक्टिव फ्रॉम द साइड ऑफ द रिसीवर. ओके, तो इसीलिए फीडबैक एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन में. द सिंपलेस्ट वे टू एंश्योर दैट कम्युनिकेशन हैज रिजल्टेड इन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग टू ऑब्जर्व बिहेवियर. ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि भी रिसीवर और सेंडर दोनों के बीच कम्युनिकेशन चल रहा है और दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे हैं. सेंडर ने इन्फॉर्मेशन रिसीवर को सेंड करी, रिसीवर ने उसको अंडरस्टैंड करा विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डिकोडिंग. ओके, अगेन वो क्या करेगा, उसका रिप्लाई दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ द फीडबैक सेंडर को. सेंडर अगेन उस इन्फॉर्मेशन को फिर क्या कर रहा है, आगे एनकोड करके द्वारा से रिसीवर को भेज रहा है. यानी कि इस तरीके से पूरा कम्युनिकेशन चल रहा है. तो फीडबैक क्या कर रहा है, इस फीडबैक कम्युनिकेशन को प्रोसीड कर रहा है एक तरीके से. ठीक है, अगर फीडबैक नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगा, लेकिन अगर प्रॉपर फीडबैक है फ्रॉम द साइड ऑफ द रिसीवर तो कम्युनिकेशन एंटायर प्रोसेस चलता रहता है और जो भी कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव है वो दोनों पार्टीज अचीव कर लेती है. ठीक है, अ मैसेज कम्युनिकेटेड फेस टू फेस प्रोवाइड यूजफुल फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ द लिसनर्स. ओके, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, क्वेश्चन क्लैरिफिकेशन, सजेशंस, लिसनिंग आर ऑल्सो वेरी यूजफुल इन प्रोवाइडिंग द नेसेसरी फीडबैक. ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंसली आपको सुनना भी पड़ेगा, तब जाके फाइनली आप क्या करोगे, उसका रिप्लाई दोगे इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक. सो फीडबैक ऑल्सो प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. ठीक है, एंड मेक योर कम्युनिकेशन मोर एंड मोर इफेक्टिव. तो यहाँ पे मैं थोड़ा लिख भी देता हूँ इसके बारे में ताकि आप उसको नोट डाउन कर लें. So come to today's session, that is internal external communication. There is a two types of communication, internal communication and external communication. In the internal communication we are talking about the internal in the organization. Okay, internally in the organization there is a number of departments. The department has communicate to each other to do their function more and more effectively and smoothly. तो हर डिपार्टमेंट में आपस में क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी होती है. ठीक है, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए आपस में कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर इंडिविजुअली एक डिपार्टमेंट एग्जिस्ट कर सकता है और अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है. तो इस तरीके के कम्युनिकेशन को जब इंटरनली कम्युनिकेशन चल रहा है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, एक मेंबर से दूसरे मेंबर के बीच, तो इस तरीके के कम्युनिकेशन को इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं.
एंड सेकेंडली एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल पार्टी. जैसे कि आप किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, यानी कि एक्सटर्नल पार्टी के साथ जो भी कम्युनिकेशन है उसको एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं. अब दोनों ही कम्युनिकेशन मोर एंड मोर इफेक्टिव होने चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि जो भी आपकी डे टू डे प्रैक्टिसेस हैं या फिर जो भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं आप उसको बहुत ज़्यादा इंश्योरिटी के साथ, बहुत इफेक्टिवनेस के साथ उन्हें अचीव कर लें. क्योंकि कम्युनिकेशन अगर इफेक्टिव नहीं होगा तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज क्या कन्फ्यूज हो जाएंगी या फिर एक तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है जो कि हमारे बिजनेस को सफर करती है. ठीक है, तो इसीलिए चाहे हम वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल कम्युनिकेशन एंड वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, बोथ ऑफ द कम्युनिकेशन मस्ट बी इफेक्टिव एंड स्मूथ, ताकि हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उनको टाइम पे अचीव करते हुए अपने जो भी हमारे गोल्स हैं वहां तक हम पहुंच जाएं. ठीक है, तो इंटरनल कम्युनिकेशन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है. In the office, effective internal communication is fundamental to existence. Internal communication also called intercommunication. तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इसको. ठीक है, internal communication it is also called intercommunication is a major function of the office. It is the intercommunication that keep the organization going, that keep the organization going. ठीक है, इंटर कम्युनिकेशन के थ्रू ही ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करती है, ऑर्गेनाइजेशन चलती है. आपस में हमारा कम्युनिकेशन है, द कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर एंड देयर सबऑर्डिनेट, द कम्युनिकेशन बिटवीन लीडर एंड देयर फॉलोवर्स, द कम्युनिकेशन बिटवीन इंटरनली डिपार्टमेंट. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें अलग बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स में भी आपस में कम्युनिकेशन होता है. जो भी उनके डे टू डे प्रैक्टिसेस होती हैं उनके रिगार्डिंग वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं. ठीक है, सो यही चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन को रन करती हैं. इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एज अ इंटरनल कम्युनिकेशन. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस है जो इंटरनल कम्युनिकेशन के डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन. सो लेट्स कवर इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन. इंटरनल कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स आपको सामने आ ही गया होगा, कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नोन एज इंटर और इंटरनल कम्युनिकेशन. ठीक है, अब इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है. सो फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन. Internal communication in the office is very important. In the office is very important due to following reasons. अब ये reasons कौन से हैं? तो यहां पे सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन क्या है? सब्सिडियरी फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन हो रही है तो वहां पे कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कभी भी हम अपने गोल्स और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकते. ठीक है, अगर हम ग्रुप में काम कर रहे हैं तो ग्रुप में जितने भी मेंबर्स काम कर रहे हैं उनका आपस में कम्युनिकेशन प्लस कोऑर्डिनेशन होना चाहिए.
ठीक है। कोऑर्डिनेशन एक तरीके से दे आर सपोर्टिव एंड पार्टिसिपेटिव टू ईच अदर, जो भी वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसमें वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनका आपस में क्या है, पार्टिसिपेशन है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, ठीक है, एक कर्टसी एनवायरमेंट वहां पे क्रिएट है, हर वर्कर एक दूसरे के सपोर्ट में है। तो इस तरीके के सिचुएशंस को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, आपस में कोऑर्डिनेटेड है। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन विल प्रोड्यूस नो रिजल्ट अनलेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा जब तक वहां पे कोऑर्डिनेशन इंक्लूड या कोऑर्डिनेशन क्रिएट नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैनेजर भी आपको आपके कोऑर्डिनेशन को क्रिएट कर रहा है तो उसके लिए वो आपको क्या करेगा, आपके साथ कम्युनिकेशन करेगा, बिना कम्युनिकेशन के ना तो वो आपको मोटिवेट कर सकता है ना ही कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो जब तक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक कोऑर्डिनेशन क्रिएट नहीं हो सकता। सो वी नो दैट कोऑर्डिनेशन इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट विदाउट विच ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट होप एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम तक आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। आप लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव तभी कर पाओगे जब कोऑर्डिनेशन है। सो इट दैट्स व्हाई फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। सेकेंड वन है कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल, कंट्रोलिंग इज ऑल्सो मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। कंट्रोलिंग के लिए भी कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेट करोगे आप। कंट्रोल फंक्शन इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच कैन नॉट बी एक्सरसाइज विदाउट द प्रॉपर इंटरनल कम्युनिकेशन इन द ऑफिस। इंटरनल कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कभी भी कंट्रोलिंग नहीं हो पाएगी। अगर सुपरवाइजर अपने जितने भी उनके वर्कर्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है तो वो कम्युनिकेट करता है, वो बताता है कि भी क्या चीज आप सही कर रहे हो, क्या चीज आप गलत कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ देयर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग, कंसल्टेशन, ओके। गोल एंड टारगेट आर फर्स्ट कम्युनिकेट टू लोअर लेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन परफॉर्मेंस इज कम्युनिकेटेड। पहले गोल्स और टारगेट्स को कम्युनिकेट किया जाता है, तब जाके फिर उसके बाद जो भी परफॉर्मेंस है उसको क्या है, कम्युनिकेट किया जाता है। तो इसलिए कंट्रोलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट क्रिएट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट यही है, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। थर्ड वन है कम्युनिकेशन एंड ऑफिस सिस्टम एंड रूटीन। ऑफिस सिस्टम एंड रूटीन। कम्युनिकेशन इन द ऑफिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द ऑफिस सिस्टम एंड रूटीन। जो भी रूटीन डे टू डे टास्क होते हैं, जो भी सिस्टम होता है वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही प्रोसीड होता है, कम्युनिकेशन के थ्रू ही रन होता है, ठीक है। दे वुड फेल टू वर्क विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगा, अगर मैं एक डिपार्टमेंट की ही बात करता हूँ, उन डिपार्टमेंट के मेंबर में आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगा, अगर कम्युनिकेशन गैप बन जाएंगे तो कभी भी वो सिस्टमेटिकली काम नहीं कर सकते हैं और अपने रूटीन वर्क को प्रॉपरली प्रोसीड नहीं कर सकते, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन नेक्स्ट पॉइंट है। मोटिवेशन, एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करने के लिए उनके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन करता है। मोटिवेशन, बिना कम्युनिकेशन के वो उन्हें मोटिवेट भी नहीं कर सकता। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन ही विल आइडेंटिफाई विच प्रॉब्लम ही इज फेसिंग, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद फिर उसको आपको इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा, ताकि आप विलिंगली काम अपने जो भी टास्क है उसको परफॉर्म करें और जो भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं आप उन्हें अचीव करें, ठीक है। द ऑफिस वर्कर्स आर टू बी मोटिवेटेड टू वर्क। इंटरनल कम्युनिकेशन सर्व एज अ व्हीकल टू मोटिवेट राइट फ्रॉम द राइट time that employee join organization up to the time that he leaves it, okay. So these are the main importance of internal communication in the organization. So okay, thank you very much.